अपने पिछले वीडियो में हमने जाना कि कैसे बड़े बड़े जहाज को चलाने के लिए टू स्ट्रोक इंजन का इस्तेमाल होने लगा। और यहाँ मैं एक बात ऐड करूंगा, जब भी विज्ञान ने कोई चीज विकसित की है तो इंसानों ने सबसे पहले उससे हथियारों का ही निर्माण किया। तो डीजल इंजन इससे कैसे बच सकता था? तो अब अलग अलग देशों के बीच लग गई होड़ कौन पहले हथियार बनाएगा, और हथियारों में सबसे ऊपर नाम आया सबमरीन का, यानी पनडुब्बी। पर पनडुब्बी को एक ऐसा इंजन चाहिए था जो हल्का होने के साथ साथ तेज भी हो। आइए जानते हैं अब ऐसा इंजन कैसे विकसित हुआ। 1920 में एयरलेस फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम को विकसित कर लिया गया। ध्यान से सुनिए, एयरलेस फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मतलब ये पहले ऐसे इंजन थे जिसमें हवा का इस्तेमाल नहीं होता था। पर डीजल की हर बार सही मात्रा डालेगा कौन? तो इन सब समस्याओं को सुलझाया डर्क टाइप फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम ने। डीजल इंजन के डेवलपमेंट के इतिहास में यह सबसे बड़ा मील का पत्थर था, क्योंकि अब डीजल इंजन पहले से हल्के और कई गुना शक्तिशाली बन गए। इस पूरे सिस्टम को डेवलप करने में लगभग 10 साल का समय लग गया। अब आपके लिए एक सवाल, एक भारतीय होने के नाते आप क्या सोचते हैं, अगर हमारे वैज्ञानिक किसी नई तकनीक को विकसित कर लें तो क्या हमें उससे हथियार बनाने चाहिए या हमें उसे मानवता की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए? याद रखिए, हमारे देश को दुश्मनों की कोई कमी नहीं। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं आपका ओपिनियन।